नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ओपनिंग मुकाबले के साथ हो रहा है। इस बार वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें से भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम ने अब तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी टीमें अभी 27 सितंबर तक उसमें बदलाव कर सकती है और सूत्रों की माने तो भारतीय टीम अपने स्क्वाड में बदलाव करने वाली है। आर अश्विन और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब खबर यह है कि उन दोनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया के साथ जोड़ा जा सकता है। भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने काफी पहले वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बदलाव किया जा सकता है। आर अश्विन और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी इस विशेष में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है और न ही आर अश्विन और प्रसिद्ध कृष्णा ने कोई जानकारी दी है। अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में जगह दिया था, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो सकते हैं। दरअसल अक्षर पटेल एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे और अब तक उनके फिट होने की कोई जानकारी नहीं आई है, तो वहीं शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कुछ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की स्क्वाड: रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, आर अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। और भी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।